अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको तीरा कटिंग करने का मुकम्मल तरीका बताऊंगा। कपड़ा हमारे पास अवेलेबल है, ये आप देख सकते हैं, डबल कपड़ा है, तो इसको दोबारा से डबल करना है। ये तीरा हमारे पास जो है 18 इंच है, 9.5 इंच हमें यहाँ पर कपड़े की लंबाई ज़रूरत है, तो ये थोड़ा सा कम है, इसको मैं थोड़ा सा आगे की साइड पर ले के जाता हूँ। तो जब आप इसको डबल करेंगे, डबल करने के बाद इस्त्री लाजमी आपको लगानी पड़ेगी। इस्त्री अच्छे तरीके से आप लगा लें। तो इस्त्री लगाने के बाद 3.25 इंच पे ये वाला निशान आपका आएगा, ये आप देख लें 3.25 इंच। तो उसके बाद 3.25 इंच पे एक और निशान इस जगह पे हम लगा लेते हैं। उसके बाद आपने ये निशान लगाना है 9.5 इंच पे, 18 इंच हमारे पास तीरा है। उसके बाद ये ऊपर एक आपने मज़ीद निशान जो है 9.5 इंच पे लगा लेना है, और ये निशान जो है आपका 4.5 इंच पे आएगा। तो ये 4.5 इंच पे निशान लगाने के बाद 5.5 इंच पे ये वाला निशान आपने इस तरीके से लगा लेना है। और जितना आपने हाला रखा है, हाले से आधी इंच ज़्यादा जो है आपने निशान लगाना है। 3 इंच पे ये निशान हमारा इस तरीके से लगेगा। तो आप देख लें, ये निशान हमारे जो है कंप्लीट हो चुके हैं। तो निशान लगाने के बाद ये निशान आपने जो लगाए हैं इनको सीधा कर लेना है। तो इन निशानों को मैं सीधा कर लेता हूँ। तो ये देख सकते हैं निशान हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद हमने इसकी कटिंग करनी है इस तरीके से। तो ये जितने भी निशान हमने लगाए हैं इसी निशान पे हमने कटिंग कर लेनी है, और ये तीरे की कटिंग जो है आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो उसके बाद जो है आपने इसको उल्टी साइड पे लेके जाना है, ये हल्की सी शेप देनी है। तो कैसी लगी आज की ये वीडियो आपको? वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो लाइक में, वीडियो को दोस्तों के साथ आपने ज़रूर शेयर करना है, और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि इस तरह की वीडियोस के मज़ीद नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें। मिलेंगे आपको ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।